अस्सलाम वालेकुम, सबा सेहत ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आ गए हम एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाएंगे झींगे का सुक्का, जिसकी मैं यहाँ कुछ तैयारी कर चुकी हूँ, मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने यहाँ कुछ तैयारी कर चुकी हूँ। मैंने यहाँ से यहाँ पर तीन टमाटर काट के मिक्सर में पीस ली हूँ। ये हल्दी है और ये लाल मिर्ची है। यहाँ पर मैंने झींगे अच्छे से साफ़ करके, इसमें जो भी गंदगी रहती है सब निकाल के अच्छे से इसको पानी में डाल के रखी हूँ। और ये तड़के के लिए कड़ी पत्ता, ज़ीरा और ऊपर से कोथमीर डालूँगी ये। और यहाँ पे मैंने 4 चम्मच तेल गरम करने रख दी हूँ। अभी इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा और कड़ी पत्ता डालूँगी। ये बहुत कम मसालों में बनने वाली रेसिपी बता रही हूँ मैं, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं लगते। इसमें मैंने अभी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाली। तो अच्छे से भून लेंगे। इसमें मैंने 3 छोटे-छोटे चम्मच मिर्ची का पाउडर ली हूँ और 1 चम्मच हल्दी पाउडर ली हूँ, ये मैं डाल लूँगी इसमें। इसको अच्छे से भून लूँगी मैं। अब ये टमाटर की जो प्यूरी टमाटर पीसी हूँ, ये 3 टमाटर है, ये डाल दूंगी इसमें। इसमें थोड़ा सा मैं कोथमीर डाल दूंगी और इसको अच्छे से भून लूंगी। ये अभी एकदम अर्जेंट में मेरे को झींगे वाला आ गया गली में, तो मैं ले ली और बोली चलो फटाफट साफ करके इसको बना देती हूँ। तो दाल चावल तो मेरे बने हुए हैं, उसके साथ अभी ये सुक्का झींगे का झींगा मसाला बन जाएगा। अभी इसमें मैं नमक डालूंगी और ये जो झींगे हैं पानी में से इसको निकाल दूंगी और इसको एक पानी से और धो के फिर इसमें डाल दूंगी। आप लोग देख सकते हैं मेरा मसाला माशाल्लाह अच्छे से भून गया है ये। अभी मैंने इसमें नमक निकाली, ये नमक डाल दूँगी मेरे हिसाब से, मेरे सालन के हिसाब से मैंने इसमें नमक डाल दिया। इसमें अगर चाहो तो आप लोग कोकम या इमली डाल सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है और अभी लाने वाला भी कोई नहीं है, तो मैं इसको फ़िलहाल टमाटर के खट्टेपन से बना रही हूँ। नहीं तो इसमें अगर चाहे तो कोकम भी डाल सकते हैं, थोड़ा अच्छा और टेस्ट आएगा। अब ये झींगे का पानी मैं निकाल दी और झींगे को मैं बहुत अच्छे से साफ़ करी, जो झींगे के ऊपर एक तार रहती है ना, वो उसकी जो गंदगी रहती है वो निकालना बहुत ज़रूरी रहता है। तो उसको मैंने एकदम अच्छे से साफ़ कर ली थी और 2-4 पानी से इसको धो के रखी हूँ। अब ये झींगे भी इसमें डाल देंगे। कोथमीर डालेंगे तो मेरे को टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, यानी कोथमीर की खुशबू बहुत अच्छी आती है जब ये पकता है। तो अभी इसको एक 10 से 15 मिनट में पका लूँ तो ये हो जाएगा। इसमें मैं 2 से 3 हरी मिर्ची छोड़ दूँगी। इसको सीलो गैस पे रख दूँगी। जब देख सकते हैं मुझे कोकम मिल गए, बच्चे से मैंने मंगा ली कोकम, तो मैं ज़्यादा नहीं 2 ही कोकम डालूँगी इसमें और इसको थोड़ा अच्छे से हिला लूँगी। बस ये मेरा बनने आ गया है और 5 मिनट में अभी कोकम डाली इसको, तो और 5 मिनट में इसको रखूँगी थोड़ा, अगर हो सका तो और इसको पका के थोड़ा सुखा दूँगी। फिर ये मेरा झींगा मसाला तैयार हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा मसाला बनके एकदम तैयार है। ये
ये हम लोग घर में फैमिली छोटी है तो हम लोग 3 जन के लिए ये काफ़ी है एक टाइम के लिए। उसके लिए थोड़ी कुकिंग कर दी, अभी इंशाल्लाह दस्तरखान पे मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरा दस्तरखान लग चुका है और माशाल्लाह से मेरा झींगा मसाला भी बहुत अच्छा बन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अभी हम लोग सब खाना खाने बैठ रहे हैं। गाइस मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। मेरा चैनल, मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करो और आप लोग भी खाना खाने आओ। अल्लाह हाफिज़।